स्वागत है किसान भाइयों आज की वीडियो में। किसान भाइयों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस वर्ष की टॉप 3 ऐसी नई गेहूं की किस्मों के बारे में जो कि रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हमारे किसान भाइयों को दे सकती हैं। या तीनों ही किस्में किसान भाइयों 30 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं का उत्पादन हमारे किसान भाइयों को निकाल कर दे सकती हैं। बारी बारी से इन तीनों ही गेहूँ की किस्मों के बारे में जानकारी दीजिए या कौन सी गेहूँ किस्में हैं और प्रति गेहूँ की किस्म से कितना उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते हैं, किस समय हमारे किसान भाइयों को इसकी बिजाई करनी चाहिए, सही समय कौन सा है और कितने समय में सीमा में किसान भैया गेहूँ की किस्में पक्के तैयार होती हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों यह जो 3 गेहूं की नई किस्में आई हैं किसान भैया, इसमें जो नंबर 3 पर जो गेहूं की किस्म है किसान भैया वह DBW 370 है। किसान भाई यह हाल ही में रिलीज की गई गेहूं की एक अगेती किस्म है। बात कर लें इस गेहूं की किस्म की तो किसान भाई बहुत ही अच्छी गेहूं की किस्म है। इस गेहूं की किस्म से हमारे जो किसान भाई हैं 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई इस गेहूं की किस्म से उत्पादन ले सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई इस गेहूं की किस्म की अक्टूबर से नवंबर के बीच में बुआई कर रहे हैं तो हमारे किसान भाइयों को जो इसका उत्पादन है 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिल सकता है। किसान भाई इसका जो लाग है किसान भाई वह भी काफ़ी अच्छी रहती है। हाइट इस किस्म की किसान भाई 101 से 105 सेंटीमीटर तक जाती है और पकने की अवधि किसान भाई यह 155 से 160 दिन तक की किसान भाई इसकी पकने की अवधि होती है। उत्पादन के तौर पर किसान भाई काफ़ी अच्छी गेहूं की अगेती किस्म है। और नंबर 2 पर किसान भाई जो गेहूं की नई किस्म है किसान भाई और DBW 371 है। किसान भाई इस गेहूँ की किस्म से भी किसान भाइयों को बहुत ही बेहद अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। इसकी जो समय सीमा है पकने की किसान भैया वह 150 से 156 दिन है किसान भैया। और किसान भाई इसकी जो हाइट है किसान भैया 105 से 110 सेंटीमीटर तक रहती है। भूसे के प्रति भी यह किसान भैया काफ़ी अच्छी गेहूं की किस्म है। इसका जो उत्पादन है किसान भैया 30 से प्लस हमारे किसान भाई ले सकते हैं, 30 से 40 क्विंटल के बीच में ले सकते हैं, 30, 32, 35 तक किसान भैया इस गेहूँ की किस्म का उत्पादन हमारे किसान भाइयों को देखने को मिल सकता है। पकने की अवधि किसान भैया इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। बात करें फर्टिलाइज़र की तो किसान भैया अन्य गेहूं की किस्म से थोड़ा सा अधिक फर्टिलाइज़र या गेहूं की किस्म चाहती है क्योंकि पकने की अवधि थोड़ी सी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस गेहूं की किस्म से भी हमारे किसान भाइयों को देखने को मिल सकता है। और नंबर 1 पर जो टॉप की वैरायटी है किसान भैया वह DBW 372 है। इस गेहूँ की किस्म से हमारे किसान भाइयों को 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देखने को मिल सकता है। बाकी समय सीमा की बात करें तो समय इसकी बुवाई का जो किसान भाइयों को बुवाई करनी चाहिए अक्टूबर से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच करनी चाहिए, तभी हमारे किसान भाइयों को इससे एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। और इसके बाद अगर हमारे किसान भाई इस गेहूं की किस्म की लेट बुवाई कर रहे हैं तो किसान भाइयों को उत्पादन धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लग जाएगा। और बात कर ले इस गेहूँ की किस्म की समय सीमा की पकने की तो किसान भैया 155 से 160 दिन के बीच में किसान भैया यह गेहूँ की किस्म पक के तैयार होती है। और इसकी लंबाई है किसान भैया 105 से 110 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई जाती है। बालियों की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है, झुकाव लिए इसकी बालियां रहती है, लंबे आकार की बालियां होती हैं और बालियों की अच्छी खासी लंबाई जाती है। भूसे के प्रति भी है काफ़ी अच्छी जो गेहूं की किस्म है, काफ़ी अच्छी अच्छी किसान भैया यह तीनों ही गेहूँ की इस वर्ष की टॉप 3 किस्में आई हैं। अगर हमारे किसान भाई इन गेहूँ की किस्मों का इस वर्ष चयन कर रहे तो हमारे किसान भाइयों को बेहद ही अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। कम लागत में बहुत ही अच्छा उत्पादन है यह तीनों ही गेहूँ की नई किस्में देख सकते हैं हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।